भ्रष्टाचार मुक्त भारत, जीरो टॉलरेंस और पारदर्शिता, इन शब्दों का मतलब अब खोखला सा लगता है। उत्तराखंड, जिसे हम देवों की भूमि कहते हैं, वहाँ कुछ अधिकारी सरकार तो क्या देवों के दंड से भी नहीं डरते। इतनी बड़ी योजना और उस योजना को पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट तक बता दिया गया, लेकिन पीएम कार्यालय को इसकी जानकारी तक नहीं। जब खुलासा हुआ तो अधिकारी नपे गए। अभी तो और भी कई अधिकारी हैं जो रडार पर हैं। यहाँ उन अधिकारियों की हिम्मत भी इतनी हो गई कि घोटाला किया सो किया, प्रदेश के प्रधानमंत्री के नाम पर किया, पीएम मोदी के नाम का इस्तेमाल किया, टाइगर सफारी के नाम पर पेड़ काटने से लेकर अवैध निर्माण तक कई अनियमितताएं की गई। विश्व प्रसिद्ध कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत पाखरू रेंज में जिस टाइगर सफारी के निर्माण को वन विभाग के कुछ आला अफसरों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट बताया जा रहा था, उसकी जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय को ही नहीं थी। पीएमओ ने इस बारे में उत्तराखंड शासन या वन विभाग को कोई दिशा निर्देश जारी भी नहीं किए थे। बताया जा रहा कि 3 आईएफएस अधिकारियों पर गाज गिरने के बाद अब इसकी जांच हो सकती है कि आखिर किसने इस प्रोजेक्ट में पीएम मोदी का नाम जोड़ा है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व पार्क के तहत कंडी रोड निर्माण, मोरघट्टी और पाखरो वन विश्राम गृह परिसर में भवनों का निर्माण, पाखरो वन विश्राम गृह के पास जलाशय का निर्माण किया गया। इसके अलावा पाखरो में प्रस्तावित टाइगर सफारी में वृक्षों के अवैध पातन किए गए, जिस पर एनटीसीए की जांच शुरू हो गई है। टाइगर सफारी निर्माण के लिए मात्र 163 पेड़ काटे जाने थे, लेकिन अनुमति से कहीं ज्यादा पेड़ काट दिए गए। इसके अलावा भी कई ऐसे खुलासे हुए जिन पर अब जाँच शुरू हो चुकी है। प्रतिपक्ष संवाद ब्यूरो।